फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है वोटर आईडी कार्ड है, और ये वोटर आईडी कार्ड मेरे भाई का है जो बाय पोस्ट जो है आज ही आया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि ये वोटर आईडी कार्ड के लिए मैंने कब अप्लाई किया था, कितने दिन बाद ये वोटर आईडी कार्ड आया है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स मैं इसका अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि अब जो वोटर आईडी कार्ड आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं इस वोटर आईडी कार्ड का मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर देता हूं। फ्रेंड्स इस तरीके से यहां पे दिया हुआ है, इस तरीके से फाड़ने के लिए मैं जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये फ्रेंड्स ये देखिए, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। सो मैं इसको भी खोल के देखता हूँ इसमें क्या है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड आपका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपका भी वोटर आईडी कार्ड होगा, और आपका फ़ोटो, आपका नाम, यहाँ पर फादर्स नेम, जेंडर, जन्म तिथि और पीछे आपका एड्रेस भी लिखा होगा। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स घोस्ट इमेज है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि इंडिया का जो है चित्र इसमें है, और यहाँ पे फोटो है, यहाँ पर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखा होगा। और मैं इसको और मैं पीछे यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका पीछे का लुक कुछ इस तरीके से है। इसमें जो है आपका जो है क्यूआर कोड भी है, यहाँ पर जो है आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, कौन सा विधानसभा में आप आते हैं, वो ये सब डिटेल्स जो है पीछे इस तरीके से लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स और ये जो है बिल्कुल एक पीवीसी कार्ड की तरह आया हुआ है, यानी जो है ये आधार कार्ड जैसे पीवीसी हम लोग मंगाते हैं ना प्लास्टिक का आधार कार्ड, उसी तरीके से ये बिल्कुल आया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये लुक है। इसी तरीके से आपका भी वोटर आईडी कार्ड आएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूं कि ये वोटर आईडी कार्ड जो है कितने दिन बाद मेरे घर पे एड्रेस पे आया हुआ है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है 7 महीने पहले जो है ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक देख सकते हैं उसका वीडियो का, और यही वोटर आईडी कार्ड मैंने अप्लाई किया था। उसमें नाम भी आप पढ़ सकते हैं, अभिषेक कुमार लिखा हुआ है। और इसको जो है अप्लाई करने के बाद ये आज आया हुआ है, यानी लगभग क्या ये 7 महीना टोटल हो गया। 7 महीना के बाद जो है ये बाई पोस्ट मेरे घर पे आया है। सो फ्रेंड्स आप भी जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप जरूर बताएंगे कि आपका जो है कितने दिन बाद वोटर आईडी कार्ड मिला है आपको। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।